बात करते हैं हीमोफीलिया के नोट्स की यार, 5 नंबर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जनरली मेडिसिन के अंदर आता है, पीडियाट्रिक्स के अंदर तो नहीं आता, ठीक है। सो व्हाट इज हीमोफीलिया? इट इज अ हेरिडिटरी क्लॉटिंग डिफेक्ट। हेरिडिटरी क्लॉटिंग डिफेक्ट है। अगर हम क्लासिफिकेशन टाइप्स की बात करें तो हीमोफीलिया 2 टाइप का होता है यार, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्या होता है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, एंड हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। फैक्टर 8 को हम क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंड फैक्टर 9 को हम क्या बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा यार, क्लिनिकल फीचर्स में माइल्ड, अगर माइल्ड हीमोफीलिया है तो माइल्ड केस में यहाँ पे मेजर ट्रॉमा अगर हुआ तो उसमें ब्लड लॉस देखने को मिलेगा, सर्जरी के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगर मॉडरेट है सो माइल्ड स्पॉन्टेनियस ब्लीड एंड ट्रॉमा एंड सर्जरी के समय ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, अपने आप ही ब्लीडिंग हो सकता है कहीं कहीं से, एंड ट्रॉमा एंड सर्जरी के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। ट्रॉमा एंड सर्जरी से पहले हीमोफीलिया फैक्टर चेक करते हैं। अगर सीवियर ब्लीडिंग हुई तो कहाँ पे देखने को मिल सकता है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग फ्रॉम जॉइंट्स एंड मसल। अगर सीवियर हीमोफीलिया है तो कहीं भी जॉइंट्स एंड मसल से यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है बिना कोई डैमेज के, कहीं कोई चोट नहीं लगा फिर भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। सो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग मेनली इन जॉइंट्स एंड मसल। और क्या हो सकता है यहाँ पे यार, हेमीआर्थ्रोसिस देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करा सकते हैं यहाँ पे, है ना, एपीटीटी जब कराएंगे तो वो क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा ना। फैक्टर्स जो होंगे फैक्टर 8 या फिर फैक्टर 9 वो क्या होंगे, कम होंगे, है ना। पीटी जो होगा वो नॉर्मल होगा, याद रखना यहाँ पे, है ना। एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, अगर फैक्टर 1 की कमी हुई तो उसमें क्या करते हैं, इन्फ्यूज़न ऑफ फैक्टर 8 कंसंट्रेशन। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। और क्या दे सकते हैं यहाँ पे, डेस्पोप्रेसन देते हैं यार, डेस्मो प्रेसिन, जिसको हम DDV, डेस्मोप्रेसिन एसिटेट को DDVAP बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है, डेस्मोप्रेसिन इट रिलीज स्टोर्ड फैक्टर 8, रिलीज स्टोर्ड फैक्टर 8। अगर ये काम नहीं किया तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं। ESCA क्या है भाई, ESCA देते हैं, दैट इज एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड, एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड दे सकते हैं। और क्या देते हैं, टाइप 1 और टाइप A हेमोफीलिया में एमएसी जुमैब दे सकते हैं, विच इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यार, एमएसी जुमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये क्या करता है, इट लिंक फैक्टर 8 टू फैक्टर 10, फैक्टर 2 फैक्टर 10। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत हो सकता है। नाउ अगर टाइप B हीमोफीलिया है तो उसमें क्या करते हैं, फैक्टर 8 की नहीं फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है तो इसमें फैक्टर 9 कंसंट्रेशन देते हैं। ओके, फैक्टर 9 कंसंट्रेशन के साथ यहाँ भी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं यार। और क्या, DDAVP देते हैं, इट इज़ नॉट यूजफुल, यहाँ पे याद रखना, DDAV इज़ यूजफुल इन ए, है
है ना, हीमोफीलिया ए नॉट इन बी। तो ये हमने बात की अबाउट द इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल फीचर ट्रीटमेंट टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, बिकॉज हम बात करने वाले हैं जो एग्जाम में लिख सकें, बहुत सारी चीज़ों की बात नहीं करना है यार यहाँ पे, उतना बात करनी है जितना एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात की, इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट एंड टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया।